बहुत इंपॉर्टेंट था आज का दिन। और जैसे कि कल आपको क्लियर ट्रेन लाइन के साथ मैं समझाया था कि इस ट्रेन लाइन से नीचे अगर मार्केट चला जाता है तो पुट साइड में आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ऑलरेडी गैप डाउन के साथ ओपन हुआ और तुरंत ही मैंने जो फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट की बात अपने से किया था कि 17,900 के करीब एंड उससे भी नीचे जा सकता है मार्केट, चला गया है। इस जो ट्रेन लाइन कल के दिन पे मैं निफ्टी के ऊपर ड्रॉ करके बताया था कि इस ट्रेन लाइन से ऊपर आएगा तभी बाइंग साइड जाना है और ट्रेन लाइन से नीचे जाएगा तो सेल साइड जाना है, राइट। एक्सपायर के दिन सुबह सुबह जो प्रॉफिट मिल गया है वो शेयर बन गया, वो गेनर बन गया है, और जो पूरा दिन मार्केट के अंदर रहा है वो सुबह का प्रॉफिट शाम को गवा देते हैं, अक्सर यही होता हुआ दिखाई देता है। अब देखिए पूरा दिन जो कहानी चला है, जो सुबह का जो लो बनाया है उसके बाद थोड़ी ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर, यानी कि इस पोजिशन के अंदर ही हमें एक डब्लू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया, राइट, एक डब्लू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया। अब कल क्या होगा, जैसे ही इस लेवल का हाई ब्रेक होगा, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ ओवरनाइट मत कीजिए, दिन के अंदर ट्रेडिंग कीजिए। अगर आपको 10,000 के साथ ट्रेडिंग कर रहे होंगे हर रोज का लिमिट बांध दीजिए कि 1,000 प्रॉफिट एनाफ है। अच्छा ट्रेडिंग ट्रेडर है आप, बहुत अच्छा आपको एक्यूरेसी जा रहा है तो आप अपना पॉइंट पॉइंट पे पॉइंट आएगा तभी ट्रेडिंग कीजिए, राइट। तो कल के लिए जो मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, सबसे पहला बात कि 17,910 एंड 15 इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है तो यहाँ से एक पॉजिटिवनेस आ सकता है जो कि 17,950 एंड 17,980 तक लेवल आपको पॉजिटिवनेस लेके जा सकता है, ओके। एक पॉजिटिवनेस यहाँ से लेके जा सकता है नियर अबाउट 18,000 तक अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट ओपन होगा। अब बोलोगे सर अगर मगर क्यों कहते हैं, तो देखो स्टॉक मार्केट है, जो ग्लोबल मार्केट से जो संकेत निकल के आएगा अगर पॉजिटिव निकल के आएगा तो मार्केट पॉजिटिव में जाएगा, नेगेटिव निकल के आएगा तो मार्केट नेगेटिव जाएगा, राइट। ग्लोबल मार्केट का पिक्चर भी मैं दिखाऊंगा, ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव जाने का संकेत है या नेगेटिव जाने का संकेत है। तो यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे मैं जो लोअर लेवल के साथ ड्रॉ कर रहा हूँ वो लेवल, तो आपको कल के लिए रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर इस रेंज के बीच में मार्केट ओपन होता है तो कल का मार्केट क्या रहेगा, चोपी मार्केट रहेगा। अगर इस रेंज से बाहर ब्रेक करता है तो आपको एक ऑन वे मूवमेंट मार्केट का देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। मैं ये लाइन आपके सामने ड्रॉ कर दिया हूँ, यहाँ तो इस लेवल को हाई ब्रेक करना होगा 17,900 से ऊपर, यहाँ तो फिर हमें बॉटम साइड में 17,790, इसका बीच में अगर रहा है तो जैसे ही ये बॉटम साइड आएगा आपको यहाँ पे बाइंग करना है, ये कन्फर्मेशन कैंडल देख के। जैसे ही रेजिस्टेंस पे जाता है तो यहाँ पे सेल करना है, यानी कि पुट पोजिशन कैरी करना है आपको एक सेल कन्फर्मेशन लेके। इसका ऊपर अगर ओपन होता है, ध्यान से देखिए, अगर इसका ऊपर ओपन होता है तो आपने यहाँ पे इस लेवल से नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से आप बाइंग साइड कैरी करेंगे, ठीक है। क्लियरली ध्यान दीजिएगा सुबह का 5 मिनट का रुझान किस तरफ है, इसका ऊपर ओपन होके बाई साइड में है या इसका नीचे ओपन होके सेल साइड में है। अगर नीचे ओपन होके सेल साइड में होगा तो आप पुट साइड कैरी करेंगे। आप बोलेंगे सर कौन सी पुट कैरी करूं, तो मैं हमेशा ये चीज कहता हूं कि आपका जेब देखिए, आपका जेब मतलब आप कितना अमाउंट के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा निफ्टी के ऊपर 100 रुपीज का स्ट्राइक प्राइस में ट्रेडिंग कीजिए, बैंक निफ्टी है तो 300 रुपीज स्ट्राइक प्राइस में ट्रेडिंग कीजिए, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट हमें मिलता रहता है, ओके। अगर इस लेवल से नीचे आएगा तो लास्ट लेवल जो मैं आपको अभी बताया हूँ 17,770 के नियर अबाउट, इस लेवल को आप ध्यान दीजिएगा, इस लेवल को आप ध्यान दीजिएगा। इस लेवल को ब्रेक होगा तो सीधा मार्केट कहाँ जा सकता है, 17,650। कल के लिए जो मैं टारगेट दे रहा हूँ बॉटम साइड ब्रेक होने के बाद, ध्यान दीजिएगा, बॉटम साइड ब्रेक होने के बाद जो मेरा टारगेट रहेगा 17,650 का टारगेट दूंगा, और पॉजिटिव साइड के लिए मैं 18,000 का टारगेट दूंगा, ठीक है। 17,650 इस लेवल को ब्रेक होने के बाद। आज देखिए जो मार्केट सपोर्ट लिया है, अगर ऑन डे का चार्ट देखेंगे तो ऑन डे का चार्ट में मार्केट किस चीज का सपोर्ट लिया है, यहाँ पे क्या चीज है, इसको अगर आप देखने जाएंगे तो क्या मिलेगा इस जगह पे, कोई बता सकता है क्या मिलेगा, तो आपके लिए मैं कमेंट सेक्शन छोड़ रहा हूँ। आप वो डेट लिखिए जिस डेट का हाई को आज का दिन का सपोर्ट लिया है, ये मैं आपके लिए कमेंट सेक्शन छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको इसमें से सिखलाई मिले कि आप इस चीज के ऊपर माथामारी कर रहे होंगे, सीखने का कोशिश कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग आए, वीडियो ओपन किया, सर मेरे पास तो फलाना पोजीशन है क्या होगा, पूरा वीडियो देखते ही नहीं है, तो उन लोग मार्केट को सीखने के लिए नहीं आए होंगे, शॉर्टकट पैसा कमाने के लिए आए होंगे, और शॉर्टकट मार्केट में पैसा नहीं बन सकता है, ठीक है। सिमिलरली बैंक निफ्टी भी आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, और बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट मैं मानूंगा कि स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट सपोर्ट जो इस गिरावट के बीच में है, जो मार्केट ले सकता है 38,275
275 अगर कल का दिन का मॉर्निंग में थोड़ी सी मार्केट में गिरावट आता है तो आप इस लेवल को ध्यान देना, ठीक है 38,275। अगर कैंडल इसका नीचे वेट करता है, इसके नीचे और वेट करता है, 1 आवर से कैंडल इसके नीचे बन के और नीचे जाता है तो बैंक निफ्टी में भारी गिरावट आ सकता है। ये गिरावट तभी संभव है जब HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक ये और नीचे जाएगा। इंडसइंड बैंक बहुत अच्छे जगह पे आज का क्लोजिंग है, 200 इज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग है, ठीक है। अगर आज का हाई को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आपको 10-20 पॉइंट का पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा। मैं कुछ स्टॉक का भी चर्चा करूंगा यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी के लिए किस लेवल तक एक्सपेक्टेशन है कल के दिन में, देखो अगर जो लेवल यहाँ पे क्लोजिंग होता हुआ दिखाई दिया है, मैं 15 मिनट का चार्ट में आ गया हूँ, यहाँ से एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रहा है, एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रहा है जो मैं आपके साथ में ड्रॉ कर रहा हूँ। इस ट्रेंड लाइन से ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है तो एक बार आपको सबसे पहला 38,750 जा सकता है, उसके बाद आपको कहाँ तक जा सकता है 38,900 तक, 38,900 तक के लिए मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और उसके बाद जो लास्टली एक्सपेक्ट करूँगा 39,000 लेवल तक, अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर पॉजिटिव चलना शुरू होता है तो इसी ये दोनों लेवल पे आपको केयरफुल रहना है, राइट। बॉटम साइड जाने के लिए, बॉटम साइड जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैं बता दिया हूँ, इस सपोर्ट से और नीचे चला जाता है तो मार्केट में भारी गिरावट आ सकता है। अदरवाइज मॉर्निंग सेशन में अगर ये डाउन साइड आके सपोर्ट ले लेता है तो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक आ सकता है। तो आशा करता हूं कि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को कंटिन्यू फॉलो कर रहे होंगे, हमारा ऐप सर्किट ट्रेडर्स को यूज़ कर रहे होंगे। ऐप्स के अंदर कोई कमी पेशी लग रहा होगा, किसी चीज़ को समझ में नहीं आ रहा है तो उसे समझने की कोशिश कीजिए, हमारा नंबर पे आप कॉल कीजिए, ये हमारा फैसिलिटीज़ है। आप अगर ऑनलाइन क्लास सीखना चाहता है तो सर्किट ट्रेडर्स जैसे कोई नहीं होगा, जो 2000 से सीट बुक कीजिए और कंटिन्यू 15 डेज तक आप कॉल पाते रहिए। नेक्स्ट क्लास जो हमारा है वो है 25 नवंबर तक। अभी अगर आप सीट बुक कर रहे होंगे 2000 से तो डेली एक परफेक्ट कॉल, देखो 10 ट्रेड करने से अच्छा एक ही ट्रेड कीजिए और वहां से प्रॉफिट कमाइए। मेरा मकसद यह है कि आप उस प्रॉफिट को, अगर दिन में 500 रुपीज भी प्रॉफिट होता है तो 10 दिन में आपको 5,000 रुपया का प्रॉफिट होता है। और मेरा क्लास का फीस है 7,000। जिन लोग ऑप्शन का उस स्टॉक के अंदर भी ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं वो 5,000 की जगह पे 50,000 रुपया का प्रॉफिट निकाल के जाते हैं इन 15 दिन के अंदर, ओके तो ये फैसिलिटीज आपके लिए है। आप अगर खुद से सीख के ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इतना दिन अंधेरे में ट्रेडिंग कर रहे हैं, दूसरे को बट बिलीव करके ट्रेडिंग कर रहे हैं तो दूसरे को मत देखिए, एक सर्टिफाइड कोर्स वाला कोर्स अटेंड कीजिए जहां पे आपको ISO सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा। इस कोर्स में अगर आप ज्वाइन होंगे तो ISO सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड होगा, ओके तो चलिए अभी जो लास्ट जो सिचुएशन बैंक निफ्टी का बचा हुआ है कि आपको कौन सी कॉल या कौन सी पुट में कल के दिन पे आपको काम करना है। तो देखिए कल का दिन के लिए आप काम कीजिए 38,800 का कॉल एंड पुट साइड के लिए 38,200 का पुट, 38,200 का पुट एंड 800 का कॉल के ऊपर। ऑप्शन चेंज के ऊपर बहुत ज़्यादा चेंजमेंट अभी आपको दिखाई देने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे फिलहाल तो जो सिनारी है कि आपको 38,800 आपको फिलहाल रेसिस्टेंस बन रहा होगा एक अच्छा, किसी वजह से पॉजिटिवनेस आता है तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भारी हमारे को इसी जगह पे दिखाई दे रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी भारी इसी जगह पे ऊपर दिखाई दे रहा है। तो 38,800 को क्रॉस करेगा तभी 39,000 जा पाएगा। आज जब मैं लाइव सेशन पे आया था तब भी मैं आपसे यही बात किया हूँ कि मार्केट 38,500 तक जा सकता है, और मैंने जो आपको 00 कॉल दिया था 38,500 का पुट के ऊपर मैंने आपको 00 कॉल दिया था, राइट। तो ऐसा करता हूँ 00 कॉल के ऊपर आपने अच्छा प्रॉफिट किए होंगे। हमेशा मैं यही कहता हुआ आया हूँ कि आप पॉइंट अगर आपको मालूम होता है, आपके अंदर थोड़ा बहुत एनालिसिस है, तभी आप 00 कॉल पे काम कीजिए। तो चलिए दोस्त लास्ट हम आ चुके हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन के ऊपर। इस ऑप्शन चेन के ऊपर हम जो चीज़ देख पा रहे हैं ये क्लियर ही देख पा रहे हैं, जब तक ना हम 17,900 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तब तक हम 18,000 का सपना नहीं देख सकते हैं, राइट। 18,000 का सपना तब तक नहीं देखेंगे। लास्टली हम आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट के ऊपर, और ग्लोबल मार्केट का जो सिनेरियो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये एक डाउनफॉल का सिनेरियो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट अगर डाउन जाएगा तो हमारा मार्केट और गैप डाउन के साथ ओपन हो सकता है, और बैंक निफ्टी आज का लो को अगर ब्रेक कर दिया और जो मैं सपोर्ट लेवल बताया उसे भी ब्रेक कर दिया तो बैंक निफ्टी के ऊपर आने वाले दिन में बहुत खराब स्थिति बनने वाला है, ये मैं अभी का सेशन में कह रहा हूँ। कल के लिए जो स्टॉक के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं, मैं दो एक स्टॉक का नाम भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा,
जो स्टॉक आप कल के लिए अच्छा रह सकता है वो स्टॉक आपको रहेगा टाइटन के ऊपर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए बोल्टास, बोल्टास आने वाले दिन के लिए एक अच्छा रेंज दिखाने वाला है एज पर स्विंग ट्रेडिंग 1265 के ऊपर। मैं इसमें एक क्लियर दिखा रहा हूँ, ये 3 दिन का हाई है, इस हाई को अगर ब्रेक होता है यानी कि 1270 के ऊपर अगर बोल्टास आता है तो एक स्विंग ट्रेडिंग की तरह बोल्टास आगे आने वाले दिन में आपको रिजल्ट दिखा सकता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक बटन दबाने में कंजूसी ना कीजिएगा। पूरा क्लास कंटेंट मैं हर रोज दिखाता हूँ, क्लास के फैसिलिटीज को जानने के लिए आपको हमारे नंबर पर कॉल करने का आवश्यकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।